टोंडो को साड़ी पहन के ठुमके लगवाए जा रहे हैं तो सोचो सरकारी स्कूल में क्या नंगा नाच हो रहा होगा। और वो बीच वाला तंबाकू, ये मुझे पक्का टिकटॉकिया लग रहा है। तो क्या देखना पड़ा है? ये वही मछली है जिसने स्कूल नामक तालाब को कीचड़ कीचड़ कर दिया है। इतना ठुमका ठुमकी हो ही गई है तो एक काम करो, वो बाजू में पड़े पोंगे को उठाओ और अपने सर पे मार के उसको विलुप्त कर दो। क्यों? क्योंकि ये साड़ी में कच्चा बादाम नृत्य करवाने का कोई रीजन है जिसका तुम्हें रीजन चाहिए? और अगर किसी चीज का रीजन चाहिए ना तो इनसे रीजन पूछो, ये शासकीय कर्मचारियों को क्या दिक्कत है? वो स्त्री है, वो कुछ भी करवा सकती है। और स्त्री तो बढ़िया नाच रही है, बेचारा आदमी यहाँ भी स्ट्रगल कर रहा है। पैंट जिन्हें पहनना नहीं आती उन्होंने फाड़ लिए अपने कच्छे। पैंट जिन्हें पहनना नहीं आती उन्होंने फाड़ लिए अपने कच्छे। शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, फिर भी कर रहे हैं बच्चे। वाह मुन्नी, मेरी फटी हुई चुन्नी, हाइट में भी तेरे सामने खजूर का पेड़ है और तू छोटी सी पुदीने की पौधी। पिताजी से जाके क्या बोलेंगे? पिताजी आपकी कमी महसूस ना हो इसीलिए आपके एज के ज्ञान से शादी कर ली, कुछ नहीं तो दो समय का फ्री समोसा तो खिला ही देगा। शादी नहीं कर रहे हैं कि मेरा डिमांड अभी तक पूरा नहीं हुआ है। सही बात है, क्या टोपी के नाम का भोपू रख दिया उसके सर पे, अच्छी टोपी चाहिए उसको, मिलनी चाहिए। मतलब अभी तक हमको कैश नहीं मिला है और सामान सब गच्छा हुआ था वो भी नहीं मिला है, तो किस आधार पर हम शादी करेंगे? लड़की भी इन्हें चाहिए, पैसा भी इन्हें चाहिए, इंसान चाहिए या डोरेमोन? तो पता है क्या करते हैं आप ऐसे? मेरा सरकारी नौकरी है। 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चैन और अंगूठी वो भी बाकी है। अबे नोबिता के खानदान की आखिरी फसल शादी करने आए या शॉपिंग? क्योंकि जो असलियत में प्यार करते हैं उनको सिर्फ लड़की से मतलब होता है, बाकी RIP तो ब्यूटी खान के एक्सप्रेशन भी कर देते हैं। अगर कोई क्रिंज का मीटर होता तो वो भी इसके सर पे मार के मैं फोड़ देता, क्योंकि इसकी हरकतें वो भी नहीं नाप पाता। एक तो इन कीटनाशकों को गलती से इंसानी होनी में जन्म मिल गया, वरना कभी इसको बिल्लू बनना होता है, कभी ये भाव भाव करती है, और वो आखिरी वाला ऐसे मेरे गांव में भैंस करती है जब उसके नाक पे चारा लग जाता है। तूने मेरी बेबी को सिंदूर कैसे लगाया? वो बाबू है मेरी, हटो यहाँ से। रेडू देख, मैं तो सिंदूर लेके घूम रहा था, तेरी बेबी मेरे सिंदूर पे आके गिरी है। हाँ तो अब जवाब दे बेबी, तुम दूर हटो। ये गंदे हाथ हटा अपने, मेरे पति परमेश्वर है वो, तू नाली में नहाते मेरे को पता है, दूर हट। ए तू पति किसको बोल रही है? तुमने हाथी निकला है पहाड़ में।